हेलो अमित, तुम यकीन नहीं करोगे, राधिका फिर से चांद देखने बाहर गई है। तीसरी बार? हाँ हाँ, तीसरी बार। सोनाली, तुम राधिका के बारे में जानती क्या हो कि उसे साथ में ले आई? अमित, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, और मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानती, बस इंटरनेट पर दोस्ती हुई थी और फिर उसका इंडिया आने का प्लान बन गया। अब मैं मदद करने से मना तो नहीं कर सकती थी ना। अगर कोई टेररिस्ट निकली तो तब क्या करोगी? क्या हमें तुम ही ना, उसने मुझे नहीं बुलाया। इनफैक्ट वो तो बस इतना ही चाहती थी कि कोई आकर उसे एयरपोर्ट से रिसीव करे और होटल तक ड्रॉप करे। वो तो मैंने ही इंसिस्ट किया कि तुम मेरे घर पर रह जाओ, और फिर कुछ ही दिन की तो बात है, राधिका जैसे इंटरनेट पर मेरे साथ चैट करती थी उससे वो बहुत अलग है। मतलब एकदम डरी हुई सी, और पता नहीं क्यों वो बार बार चांद देखने की बात करती है। आई डोंट नो, इट्स रियली फनी ना। लगता है वो चांद को देखने के लिए और उस कल के ग्रहण के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड है रियली। अमित वो आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ सॉरी, पता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ मुंबई में वापस आ गई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोई अनजान सी शक्ति मुझे यहाँ खींच रही है, बुला रही है मुझे यहाँ पर। शायद पूनम की रात का ये ग्रहण मुझे यहाँ मुंबई में ही देखना था। राधिका, ये सब बातों को छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारी शादी हो चुकी? अरे इसे क्यों बुला लिया? तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो देखो, मैं तुम्हारे शहर वापस आ गई, जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी मगर नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम इतने सालों बाद तुम उस एक मुंबई की सजा देना चाहते हो मुझे? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? सॉरी राधिका, प्लीज चलो, उसको बोलो ना मेरा पीछा छोड़ दे, उसको बोलो ना। देखो मेरा पीछा आ रहा है, संभालो अपने आप को, चलो। प्लीज जो स्पीड अप या, इतने धीरे चलाओगे तो हम मुंबई कभी नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा जल्दी चलाओ यार, हम लेट नहीं हो सकते। रिलैक्स है ना, रिलैक्स, ऐसी भी क्या जल्दी है, इतने साल हो गए हमारी शादी को। वैसे पहले तो तुम मुंबई लौटना नहीं चाहती थी, पता नहीं अचानक ये प्लान क्यों बनाया तुमने। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आज रात तक मुंबई पहुंचना है। गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाओ। चला रहा है ना, देख रहे हो ना ये रास्ता कितना खराब है। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेते, पता नहीं तुम्हें किस बात की जल्दी थी। गाड़ी रोको गाड़ी। है ना यहाँ इस सुनसान रास्ते पे जंगल है चारों तरफ। मैंने कहा गाड़ी रोको। तुम ठीक हो ना? तुम वो क्या देख रही थी? कौन? गाड़ी चलाओ, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या
पूनम की रात होने से पहले मुझे मुंबई पहुंचना ही है। चलो। हाँ। ओके, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके सर, ओके, ओके। एक्सक्यूज मी। यस। मैं मुंबई में हूँ ना? यस। जानते हैं मैं यहीं पला बढ़ा हूँ। बहुत अच्छा समय गुजारा है मैंने यहाँ, लेकिन किसी वजह से मुझे शहर को छोड़ के जाना पड़ गया था। मैं कभी लौटना नहीं चाहता था यहाँ पर, लेकिन इस शहर ने मुझे वापस बुला लिया। आपको आपको लगता है कि वो मुझे बुला रहा है? मेरा समय आ गया। मुंबई में आपका स्वागत है सर। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा कितने दिनों के लिए चाहिए सर आपको? दो, आज की रात और कल की रात। उसके बाद तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, आप अपने डिटेल्स यहाँ लिख दीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज रात चांद कितने बजे निकलेगा? मुझे पता करना है, क्या बता सकते हैं? सर आप अपने डिटेल्स यहाँ लिख दीजिए, आपका नाम, टेलीफोन एड्रेस वगैरह प्लीज। बेल बॉय। साहब को कमरे में ले जाओ जल्दी। थैंक यू सर। आईडी प्रूफ मांगा नहीं आपने? बाद में ले लेंगे। ओके। टेल्स तो देख लीजिए सर। राधिका, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। राधिका, ये है तुम्हारा कमरा। तुम थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। गुड नाइट। रात गए, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर जा रही हूँ, आती हूँ। राधिका, तुम बार बार बाहर क्यों जा रही हो? रेस्टोरेंट में भी बाहर गई थी, अब भी बाहर जा रही हो, आखिर में बात क्या है? कुछ नहीं।
अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं राधिका कहाँ चली गई है। राधिका जो अभी तुम्हारी गाड़ी ले गई वो? क्या मेरी गाड़ी? ओह माय गॉड, अमित हमें उसे रोकना होगा, तुम मेरे साथ चलो। चुप। उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस बार इंसाफ दिला के रहूंगी, मैं उसको इंसाफ दिला कर रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगी। मेरे खाना इसे छोड़ो, चलो यहाँ से। नहीं अमित, अमित हम इसे नहीं छोड़ सकते, प्लीज। ओह माय गॉड, अमित अमित राधिका को हॉस्पिटल की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो, चलो। इन्हें नींद की इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर आराम करने दीजिए प्लीज। जितना कर सकते थे कर चुके, अब चलो यहां से। नहीं अमित, राधिका को हमारी मदद की जरूरत है, देखो उसे, जरूर कोई और वजह है जो वो मेरे पास आई है, वरना वरना बिना किसी मतलब के वो सोशल साइट पर मुझसे दोस्ती क्यों करती, और इस पूरी मुंबई में उसने मुझे ही क्यों चुना है। सोनाली प्लीज, तुम्हारे ये कर्म तकदीर जिस पे इतना विश्वास है ना तुम्हें, एक दिन तुम्हें जरूर किसी मुसीबत में डालेंगी। मैं बड़ी आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता, समझी तुम? उसकी हालत देखो, जो अपने आपको फंसा रही उसमें। राधिका तुम क्या कह रही हो?
राधिका क्या बना है इसने अमित करजत करजत ये तो मुंबई के पास एक छोटा सा कस्बा है ना हमें यहाँ जाना होगा ये तूफान एस 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 अमित अमित ये देखो हाँ ये वही जगह है जो राधिका ने हमें बताई थी एस 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 ये देखो अरे हाँ पर तुम तो कह रही थी राधिका बहुत समय से मुंबई आई नहीं तो फिर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला पता नहीं हमें वो तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा अमित ये क्या हो रहा है सोनाली बहुत हुआ तुम एक एक करके खतरे की तरफ ही बढ़ती जा रही हो बस बहुत हुआ वापिस चलो डरो मत अमित हमें कुछ नहीं होगा ये जरूर कोई ना कोई इशारा है हम बिल्कुल सही जगह आए तुम चलो सोनाली सोनाली रुको अमित यहां पर तो कोई भी नहीं है मैं क्या करूं अरे सुनिए भाई साहब जरा सुनिए तो Excuse me, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप किसी से मिलने आए हैं वो डॉक्टर हम मुंबई से आए हैं किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका मुंबई से कोई भी लेना देना हो जी ये तो बताना मुश्किल है डॉक्टर लेकिन आपको कुछ तो याद होगा कोई यहाँ पर मुंबई के हॉस्पिटल से आया हो या किसी ने कोई मुंबई के पेशेंट को यहाँ पर छोड़ा हो आप प्लीज अपने रिकॉर्ड्स में चेक कीजिए ना एक मिनट अभी चेक करके बताता हूँ आइए मेरे साथ आइए वो वापस आ गया है वो हमें छोड़ेगा नहीं वो हमें ले जाने आया कुछ नहीं हो सकता मुंबई गौरंग और राकेश ये दोनों तो मुंबई से हैं डॉक्टर ये दोनों डॉक्टर मुझे इन दोनों को मुंबई ले जाना होगा मुंबई लेके जाना होगा जी ये तुम क्या कह रहे हो सोनाली हाँ हमें इन दोनों को राधिका के पास लेके जाना होगा जरूर कोई ऐसी चीज है जो ये दोनों जानते हैं और यही दोनों हैं जो राधिका की जान बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं आज पूनम की रात को ग्रहण लगने से पहले हमें इन दोनों को मुंबई ले जाना होगा Thank you.
जाओ उसे पकड़ो पकड़ो। राधिका के जरिए उनसे बदला लेना चाह रहा है। ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। इस लड़की का दिमाग खराब, पागल है वो, और पागलपन लोग हमला करते हैं। डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, चलो यहाँ से। नहीं, अमित, ये कोई पागलपन नहीं है, और मैं यहाँ पर तब तक रहूंगी जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। तो क्या करना चाहती हो तुम? अमित, हम सिर्फ एक बार उन दोनों लड़कों से बात करते हैं। प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। क्या किया तुम दोनों ने? और वो राधिका के अंदर कौन है जो तुमसे बात करना चाहता है? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लीज कुछ तो बोलो। राधिका किसकी आवाज में बात कर रही है? कुछ तो बोलो प्लीज। सुनसान जगह पर तुम अकेले बैठे क्या कर रही हो? अच्छा वो जो तुम आ गए, आओ मेरे पास बैठो। ऐना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो यहाँ से। इस चांद को देख रहे हो? कितना खूबसूरत लग रहा है, और अब चांद में ग्रहण लगेगा। देखो देखो उसे, देखो उसे। कौशिक, दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ हो गई? अरे अभी मेरे पास इनका फोन आया था, मुझसे पूछ रहे थे कि फोर्थ फ्लोर की ऊंचाई कितनी होगी। कोई आम आदमी भला ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? मुझे इस बात का बेहद डर है कि कहीं अपना कुछ नुकसान ना कर बैठे। मिस्टर कौशिक, दरवाजा खोलिए प्लीज। सर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, अब क्या करें? एक काम करो, मास्टर के लेकर आओ जल्दी। जाओ जल्दी। Are you all right? आप ठीक है? कौशिक रुक जाइए प्लीज। सर
की वजह से मैं मरा हूं, तुम ही लोगों की वजह से। तुम ही लोग मुझे तड़पता हुआ छोड़ गए थे ना, समझते हो मौत की तड़प कैसी होती है मौत आने से पहले, जानते हो? जवाब दो, आने से पहले उसके डर को कभी देखा है, कभी महसूस किया है? समझते हो उस डर को? मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं उस डर को। शांति के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ जरूर करूंगी, फिर तो उसके लिए तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ हुआ क्या था। वो देखो उधर क्या हो रहा है, उसको मार रहे हैं ना, रुकते हैं। देखो जो तुम कर रहे हो वो गलत है, मैं पुलिस को बुला दूंगी, तुम रुक जाओ। पुलिस का नाम भी लिया ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। अपने कान से काम रखो, निकलो यहाँ से। बड़ी आई, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शट अप, चलो चलो यहाँ से। मैं क्या मालूम कौन है वो, उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, इधर मार डालेंगे उसे। चलो चलो यहाँ से। तुम्हें क्यों फंसना चाहते हो, चलो यहाँ से। नहीं मुझे मत मारो भाई, उसको मार डाला, मैंने बोला था ना उसकी मदद करते हैं, हम लोग उसकी हेल्प कर सकते थे। मुझे ये सब एक बुरे सपने ऐसा लग रहा है। मुझे इसे कोई मतलब नहीं कि तुमने सालों पहले क्या किया या क्या नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, है ना, और तुम्हें सही सलामत घर वापस ले जाना चाहता हूं। वो मुझे नहीं जाने देगा, जो नहीं जाने देगा। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, ढूंढ रहा हूं। वैसे तुषार की माँ हमारी क्या मदद कर पाएंगी? पता नहीं, पर शायद उसकी माँ उसको कुछ समझा सकती है, और हमें कोशिश करनी चाहिए ना। तुम देखो। मिल गया, ये रहा तुषार के घर का पता।
बस हमें ये कंफर्म करना है कि ये लोग अब भी यहाँ रहते हैं। तो फिर जाकर देखो ना, ढूंढो उन्हें, और अगर वो तुम्हें मिलते हैं तो सीधा उन्हें यहाँ पर लेकर आना। प्लीज अमित, जल्दी जाओ। एक मिनट, जाने से पहले मैं कुछ और भी चेक करना चाहता हूँ। क्या क्या चेक करना चाहते हो? ये देखो सोनाली, आज की ये पूनम की रात बहुत ही खास रात है। आज रात मंगल ग्रह धरती और चंद्रमा के बीच आकर पूर्ण ग्रहण लगा देगा, और ऐसा ग्रहण 30 सालों में सिर्फ एक बार लगता है। और इस समय आत्माओं की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। इसका मतलब तुषार ने जानबूझकर आज की रात चुनी है ताकि वो अपने दोस्तों से बदला ले सके। और अमित, आज तुषार में इतनी शक्ति होगी कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। हाँ सोनाली, तुषार मरने के बाद लौट आया है अपने खूनी राकेश और गौरांग से बदला लेने। इतना ही नहीं, वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। अमित, आज पूरा ग्रहण कितने बजे होने वाला है? हाँ, टाइम है यहाँ। पूर्ण ग्रहण आज रात 11:52 पे लगेगा और हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। फिर से भागने की कोशिश कर रही है? कहीं नहीं जा सकती तू, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तुषार, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो सब अपने किए पे शर्मिंदा है। प्लीज तुषार, इन सबको माफ कर दो, जाने दो इन्हें। सोनाली, ठीक हो तुम? चोट लगी तुम्हें? हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ और जाकर तुषार की माँ को लेकर आओ। तुम्हें छोड़ के नहीं। अमित प्लीज, तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ। तो प्लीज अमित, जाओ जाओ, मैंने कहा। ये तो करिश्मा हो गया, पिछले 5 सालों में इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और आज ये उठ के खड़ी हो गई। संभालो, संभालो, संभालो इन्हें, संभालो। माँ जी, अपने आप को संभालिए माँ जी। मेरा बेटा आ गया। माँ जी, आपका बेटा कब का मर चुका है? नहीं, मेरा बेटा वापस आ चुका है, वो किसी को भेजा है लेने के लिए, मुझे लेने आ रही। ओ, देखो देखो आ गया, जाओ जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे लेने आया है। माजी, माजी, आप शांत हो जाओ, मुझे ले। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा ना, मुझे मेरे बेटे के पास लेके चलो। हाँ, मैं लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो, मुझे उसे मिलना है। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुषार,
तुषार मेरे बेटे, मेरी बात मान ले बेटा, तुमने बहुत सहा है बेटा, और इन सब ने भी बहुत वक्त चुके बेटा, इन सब को माफ कर, छोड़ दे, अपनी माँ की बात मानी कर तो, बोलना, अपनी माँ की बात मानी कर तो, बोलना, मानी कर अपनी माँ की बात तो, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? ऐना, ये सब क्या हो रहा है? मैं मुंबई कैसे आ गई? I don't understand this. Kaushik, how come I'm here? Huh? क्या हो रहा है ये सब? कोई Anna, tell me. अब हमारी यहां कोई जरूरत नहीं. एक मिनट, मेरा लैपटॉप. सोनाली, इधर आओ. लगता है मुझसे कोई गलती हुई है. पूर्ण ग्रहण का वो समय. सोनाली, क्या हुआ अमित? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है. नहीं सोनाली, कुछ अजीब है, बहुत अजीब है. तुम्हें याद है इंटरनेट पे मैंने पूर्ण ग्रहण का टाइम चेक किया था? हाँ. वो टाइम गलत था. पूर्ण ग्रहण का टाइम अब से थोड़ी देर बाद है. क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सोनाली, पूर्ण ग्रहण होने में अभी थोड़ा वक्त है. लेकिन तुमने तो टाइम क्रॉस चेक किया था ना? लगता है किसी ने टाइम के साथ छेड़खानी की. कहीं तुषार ने तो ये सब. लेकिन अमित, अब तो सारा मामला सुलझ गया है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई होप अब सब कुछ ठीक ही हो. शायद मैं ही गलत हूं, सब कुछ ठीक ही तो लग रहा है. आओ चले. तुषार कहाँ है? अमित, तुषार कहाँ है? अरे एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट हो गया, भागो. देखो अमित, एक्सीडेंट. नो,
उसे अपना बदला लेना ही था सोनाली। मैं या तुम उसे रोक नहीं सकते थे और उसने अपना बदला ले लिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है और इसी के साथ इस भयानक पूनम की रात का पूर्ण ग्रहण का असर भी अब घटने लगा है। हाँ संध्या, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। डैडी मम्मी सुबह से आके घर पे बैठ गए हैं और तारा के बारे में पूछ रहे हैं। तारा को मैं वहां से वापस कैसे लाऊं जहां भेज चुका हूं। तो अब क्या करेंगे हम? भाई क्या बोलता है, वही जो तय हुआ था हमारे बीच में कि वो अपने दोस्त के साथ बाहर आउटिंग पे गई है। एक मिनट सोचने दो मुझे। लेकिन संध्या, डैडी मम्मी मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम तारा को डॉक्टर से दिखा के ही जाएंगे। पोते को देखे बिना नहीं जाने वाले हैं वो इस बार। एक काम कर दो ना, सबसे कह दो कि तारा का फोन आया था और उसने कहा है कि वो कुछ टाइम और अपने दोस्तों के साथ रुकना चाहती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें कुछ टाइम और मिल जाएगा सोचने के लिए। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा ना। या और कोई तरीका भी तो नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं। अच्छा सुनो, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। ठीक है, I'll do that. Don't worry, I'll call you back. Okay. You take care too. Bye. Okay, bye. अरे कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, पता है तुम्हारा वेट करके ना हमने अभी अभी खाना खाया। चलो अंदर आओ, मम्मी पापा भी हैं। तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और तुमसे क्या क्या पूछ रहे हो। चलो जल्दी आओ। आकाश कहाँ थे अब तक तुम, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तारा घर पर नहीं है, टूर पर गई है? ये क्या मजाक है बेटा? और तुमने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा था। हमने कितना ट्राई किया, और पापा, पापा तो तेरे कितने परेशान हो रहे हैं। हाँ वो ऑफिस में बिजी था थोड़ा, तो फोन नहीं उठा पाया। और हाँ वो मोबाइल तो मैंने साइलेंट पे लगाया था तो पता नहीं चला था। अरे सरिता अब बस भी करो, तुम तो हो आते ही शुरू हो गए एकदम। अरे उसे सांस लेने दो, कुछ पानी होने के पीने दो। आकाश बेटा तुम्हारा काम वाम तो ठीक चल रहा है ना? काम बिल्कुल सही चल रहा है डैडी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है काम में, काम बिल्कुल सही है। आकाश तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ है? कुछ नहीं, मतलब I'm fine. वो हाँ थोड़ा थका हुआ हूँ, काम बहुत था ना तो मैं थोड़ा आराम करना चाहता। अरे आकाश बेटा सारा काम आज ही खत्म करना था क्या? ज्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे ना तो आंखें खराब हो जाएगी। चल मेरा बच्चा जल्दी उठ के हाथ पैर धो के फ्रेश हो जा। तारा बेटी जा जल्दी से जाके खाना गर्म कर दे। नहीं माँ, मैं खाना खा चुका हूँ, प्लीज बस मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम कम से कम एक गिलास गर्म दूध पी लो, नींद अच्छी आएगी। ओ आकाश के लिए दूध ले आओ। सरिता भाई चलो हम भी सोते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। हाँ आकाश बेटा तुम्हें भी कल जल्दी उठना है, कल बहुत बड़ा दिन है, कल बहू को लेकर हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। चलिए गुड नाइट।
आकाश चलो जल्दी से। आकाश इतनी रात को कहाँ चले गए? ये बहुत ही अजीब सी जगह है आकाश। देखो हमें वो पेड़ जल्दी से ढूंढना ही होगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं आकाश। सुनो ना प्लीज चलो यहाँ से, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज यहाँ ढूंढना पड़ेगा हमें, वो जगह ढूंढना बहुत जरूरी है। डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके देखना व्हाइट निशान होगा क्रॉस का। बोला कम ये रहा, इसका मतलब यही गई आसपास। ये तो रहा गड्ढा। ये क्या, इसमें तो तारा की लाश है ही नहीं। गड्ढा है और लाश नहीं, इसका मतलब इसने यहां लाश नहीं डाली। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात तारा मरी ना हो? आकाश लेकिन उस आदमी ने तो कहा था कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। फिर फोन बंद कर रखा है। दोबारा ट्राई करो ना, कोई और नंबर होगा। आकाश मेरे पास और कोई नंबर नहीं उसका संध्या। इसका मतलब काम किए बगैर ही सारे पैसे लेकर भाग गया। इसका एक और मतलब हुआ संध्या कि तारा को हमारे सारी प्लानिंग का पता चल गया है। अब क्या करना है? आकाश उससे पहले उसका काम हम पूरा कर देंगे, और इस बार इसकी धड़कनें पूरी तरह बंद होने तक इंतजार करके उसकी लाश हम ठिकाने लगवाएंगे। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ, we'll be right back.
लगता है बहुत थक गया हूं, जा आराम की जरूरत है। इसलिए ऐसे अजीब अजीब चीजें हो रही है। कितने बजे का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया है? पापा 10:30 का। हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था घर से। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ, टाइम पे पहुंच जाएंगे। क्या हुआ बेटा, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुम ठीक तो हो? क्या वहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा। आपके पीछे वो पीछे कुछ था ना? पीछे क्या वो कुछ था? मैंने देखा आकाश पीछे कुछ भी नहीं रखा है। तुम रात को जब से घर पर आए हो ना, तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। आकाश तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये हाथ आकाश, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ वो हाथ तो क्या हुआ आपको? आकाश क्या हुआ आपको बेटा? अरे आर यू ऑलराइट? क्या हुआ? इट्स ओके, आई एम ऑलराइट। चलो बेटा। हाँ मैम, आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, हम भी अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे। इस बार बच्चा ठीक ठाक होना चाहिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पहले चेक तो कर लें। आइए आप बैठिए, आप आ सकते हैं। मैं आ सकती हूँ? हाँ जी हाँ, आप भी। घबराना नहीं, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। ये देखिए आकाश, ये रहा आपका बच्चा। आकाश तुम पागल हो गए हो क्या? ये आत्मा नहीं, हमारा बच्चा है ये। आकाश तुम चुपचाप बाहर जाके अपने पापा के पास बैठो, जाओ। टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। बस हो गया, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है आकाश। वहम? प्लीज तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया प्लान है। प्लीज आकाश, मैंने सब कुछ सोच रखा है सच्ची। देखो आकाश, एक आदमी का नसीब एक ही बार उसका साथ दे सकता है, बार बार नहीं। इस बार तो मैंने जो बेस्ट शार्प शूटर है ना, उसको हायर किया है। तारा को तो चाहकर भी कोई आदमी बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये सब ठीक से हो तो जाएगा ना संध्या? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। कम ऑन आकाश, परेशान मत हो। अब सुनो मेरी बात।
समझे? तुम्हें तो बस इतना करना है कि अपनी अपनी प्यारी सी बीवी को लाके उस जंगल में छोड़ना है, और उसी जगह कह देना कोई सरप्राइज वगैरह है। बाकी का काम वो शूटर संभाल लेगा। ओके, आई विल डू दैट। बस ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, उसे शक बिल्कुल मत होने देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, कम पहुंच गए। हम मैं आंखें खोल लूं? ओ नहीं नहीं, अभी ये सब आंखें खोल दोगी तो सरप्राइज का क्या होगा फिर? थोड़ी देर और रुक जाओ, जस्ट वेट। लगता है आप मुझे कैंडल लाइट डिनर पे लेकर आए हैं, है ना? हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। बता दूंगा तो आंखें बंद करने का फायदा क्या होगा? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। धीरे बाहर निकल, संभालना बिल्कुल। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, वेरी गुड। संभाल के, संभाल के तरह। बस बस बेटा, हम पहुंच गए। बस यस यस, हियर वी आर। आज तुम रुक क्यों गए हो? मैं अब आंखें खोलूं क्या? नहीं, प्लीज आंखें मत खोलना। एक्चुअली क्या है ना कि जो सरप्राइज गिफ्ट में तुम्हें लाया था ना, वो कार में रह गया, मैं ले गया था। अरे आकाश, तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? कोई मुझे देखेगा तो बेवकूफ समझेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। सारा प्लीज डरो मत ना, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और तुम है, और कोई नहीं। I'm just coming. Don't move. आकाश, don't move. आकाश, please जान मत। आकाश, 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 कहाँ चले गए? आकाश, रुक जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आकाश, आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। देखो, अगर तुम कुछ करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। मैं तो चिल्ला क्योंकि तेरी आवाज जानवर सुन ले तो ठीक। दूर दूर तक यहाँ ना इंसान है ना उसका परछाई। चिल्ला बच्चा। ये क्या हो रहा है? तुम वही जिससे पैसे लेकर तुमने ये काम करने की कोशिश की थी, उसकी बीवी की आत्मा हूं मैं। एक शूटर ने मुझे मार डाला और अब तुम मरोगे। बचाओ।
Congratulations to our success. Finally, Akash, हम दोनों साथ में हैं. कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी. हाँ संध्या, खुश तो बहुत हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तारा के लिए मम्मी पापा को बताने के लिए कौन सा बहाना ढूंढूं. बहाना तो मैं ढूंढ चुकी. अंकल आंटी को सिर्फ ये कह देना कि तारा जो है गायब हो गई है. गायब? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही किसी दोस्त से उसके बारे में कुछ पता चल रहा है. साथ में ये भी बता देना कि उसका इतनी बार मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो बहुत परेशान सी हो गई थी. और जिस परेशानी की वजह से उसने ये सोच लिया कि इस बार भी वो तुम्हें बच्चा नहीं दे पाएगी. बस उससे क्या होगा? उससे ये होगा जनाब कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और उसके बाद हम ये करेंगे कि पेपर में एक उसका मिसिंग का एड दे देंगे. फिर क्या, किसी कबाड़ी को बुला के बेच देंगे पेपर्स. मिलने थोड़ी ना वाली है. शक किसी को नहीं होगा. आकर वाओ सर, सच में क्या कहानियां बनाती हो तुम. तुम कैसे बच गई जंगल से? वैसे ही बची आकाश, जैसे पिछली बार बची थी. मतलब डरो मत, मुझे तो तुम दोनों पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम मुझे डिनर के लिए लाए थे और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे खाने में जहर मिलाया था. लेकिन तुम उस रात बच कैसे गई? बची कहाँ आकाश, तुम्हारी उस चाल से मैं नहीं बच पाई. नहीं बच पाई, इसका क्या मतलब हुआ? उस रात तो हमने तुम्हें जंगल में पहुंचवाया था. हाँ? उसके बाद तुम घर भी वापस आ गई थी, फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम बच नहीं पाई? सुनना चाहते हो उस रात की कहानी? तो सुनो. और मैंने उसे मार डाला, खून कर डाला मैंने उसका. अब ये बताओ तुम में से पहले कौन मरेगा? Oh my God. Yes. No. आकाश भागो! अंदर से बंद नहीं खुल रहा आकाश,
नहीं कुरान। संध्या दरवाजा खोलो, मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। संध्या तुम दरवाजे से दूर हटो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, हट जा तू। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज जाने दो। जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो तारा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आकाश क्यों मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो आकाश प्लीज। अरे आकाश बेटा, बेटा तुम इतना घबराए हुए क्यों? तारा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? बोलो बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों, क्या बात है बेटा? एक मिनट, दरवाजा मत खोलिएगा प्लीज। दरवाजा नहीं खोलो क्यों? कौन है बेटा? मैं देखता हूँ, देखो देखो डैडी, एक मिनट मैं देखता हूँ। वो दरवाजे के बाहर खड़ी, वो दरवाजे के बाहर खड़ी। कौन खड़ी है, मैं देखती हूँ। नहीं, तारा माँ, तारा दरवाजे के बाहर खड़ी है। अरे तारा दरवाजे पर खड़ी है, तुम उससे इतना डर क्यों रहो? खोलो ना बेटा दरवाजा, खोलो। नहीं डरे, ठीक है तुम आ, फोटो में देखता हूँ, फोटो चलो। प्लीज प्लीज फोटो में डरे, नहीं खोलिए। आकाश क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में छोड़ के क्यों आ गए? क्या ये तुम्हें अकेले रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गया? आकाश क्या कह रही है, तुमने ऐसा क्यों किया? आकाश शाम से ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज बोलो आकाश। सरिता, ये हमारे आकाश को हो क्या गया है? पता नहीं, जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है। Thank you.
ये मुझे मार देगी, ये मार देगी, मुझे बचाओ डैडी, प्लीज बचाओ। आज क्या हुआ बेटा, कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? ये मुझे मार डालेगी मम्मी, ये मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी? बेटा बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तारा डैडी, तारा मुझे मार डालेगी। आकाश, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? आकाश, क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मर चुकी हो तारा। आकाश, बस बहुत हो चुका है। डैडी, तारा मर चुकी है, ये तारा मर चुकी है। अब बंद करो अपनी बकवास। ये बकवास नहीं कर रहा हूं मां, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं सब कुछ सच सच बता देता हूं। मैंने और संध्या ने मिलके तारा को अपने हाथ मारा और फिर उसे एक आदमी के हाथों जंगल में दफन करवा दिया था। अब ये तारा एक आत्मा बन के मुझसे बदला लेने आई है। संध्या को मार दिया इसने मां, अब ये मुझे मारेगी। चढ़ा बाबा, तारा हमारे सामने खड़ी हुई है तो भला ये मरी हुई कैसे हो सकती है? ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये हमारी बहू है, बहू। आकाश, क्यों लगा रहे हो मुझ पे ये इल्जाम? क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें संध्या को क्यों मारूंगी आकाश? अब तुमने तो मुझे फोन करके कहा था कि संध्या ने आत्महत्या कर ली है। क्यों कर रहे हो सब कुछ मेरे साथ आकाश? क्या संध्या ने आत्महत्या कर ली? नहीं मां, संध्या ने आत्महत्या नहीं की, संध्या ने आत्महत्या नहीं की, इसने मारा उसे, इसने मारा उसे एक घंटा पहले मारा इसने। आकाश, एक घंटे पहले तो मैं तुम्हारे साथ में थी, मैं संध्या को कैसे मार सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे? तारा बेटा, तुम चुप हो जाओ। लगता है आकाश किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है, वो थोड़ी देर आराम करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये तारा नहीं है, मर चुका है डैडी, ये उसकी आत्मा है, ये नाटक कर रही है आप लोगों के सामने। बस आकाश, बहुत हो चुका, अब चुपचाप जाकर आराम करो। नहीं, मैं इस कमरे में इसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता। नहीं रहना ना, एक काम करते हैं, बहू तुम हम लोगों के साथ चलो, इसे यहाँ पर अकेला रहने देते हैं थोड़ी देर। नहीं डैडी, प्लीज आप इसको अपने साथ मत ले जाइए, वरना आप लोगों को मार डालेगी। तुम इसकी बात पे एकदम ध्यान मत दो, तुम हमारे साथ चलो, मैं कल सुबह देखता हूँ क्या करना है। चलो सुनो माँ, माँ आकाश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक तो इतने दिन बिना बताए छुट्टी ले ली और अब ऐसा मुंह बना के आए हो। भाई प्रेजेंटेशन तो दे देगा ना ढंग से? आकाश दे देगा प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन, हाँ हाँ प्रेजेंटेशन। तुम यहां क्या कर रही हो? आकाश ठीक तो हो ना तुम? तारा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो वरना तारा मुझे मार देगी, मुझे बचा लो प्लीज। आकाश रिलैक्स, तारा यहां नहीं है, देखो कहां है तारा, और वो मना ऑफिस क्यों आई है? हाँ कम आओ बैठो,
थोड़ा पानी पी लो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों मारेगी? हाँ मैं तुम्हें पागल लगता हूं, पागल हो? झूठ बोल रहा हूं? वो देखो, वो देखो, अरे वो सामने बैठी है, मार दे ये मुझे, मारने। क्या बोल रहा है यार, यहां कहां है तारा? ओके ओके, मैं अभी प्रूफ कर देता हूं कि तारा यहां बैठी है मेरे सामने। एक मिनट में प्रूफ कर देता हूं कि तारा यहां बैठी है सामने। हेलो मम्मी, तारा कहां है? हाँ बेटा, मेरे पास है घर पे। वहां है? तुम्हारे पास? तो वो तो यहां बैठी है मेरे सामने। बेटा हम चाय पी रहे हैं, वो वहां कैसे हो सकती है? इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मारूंगी मैं तुम्हें। ये छुरी तो सेब काटने के लिए, मैं तो तुम्हें ये सेब खिलाने आई थी। क्यों? सेब नहीं खाना तुम्हें? खा लो इस सेब को, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। लो खा लो इसे, खा लो आकाश, इसमें जहर नहीं है। क्या हुआ? छुरी, छुरी है ना, मुझे मार रही है मुझे। पापा मैं तो ये सेब खिलाने आई थी, पता नहीं ये छुरी देख के क्यों चिल्लाने लगी। मैं आकाश को क्यों मारूंगी? ओफो, मैं तो इसकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मतलब क्यों मारेगी तुम्हें? हाँ बस पागलों जैसी हरकतें करता है ये। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आत्मा हो ना तुम? आत्मा तो मरती नहीं है। छोड़ दो, क्यों कर रही हो? सुनिए, जल्दी से जल्दी इसके चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा। मैं भी डॉक्टर बुलाता हूँ। चलिए मम्मी, मम्मी ये चालस की, ये तुम्हारे तारा नहीं है, ये नहीं है तारा, उसे मैं मार चुका हूं, वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से मारा था उसे, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उसे, वो मर चुकी है। ये तारा नहीं है, तारा नहीं है, मां बाप तारा नहीं है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, देखो मैं बताता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मेरी वाइफ वहाँ खड़ी है, वो मर चुकी है। रिलैक्स,
मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी का खून किया और वो जो खड़ी है सामने डॉक्टर साहब, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो जिंदा नहीं है, वो आत्मा है। डॉक्टर साहब मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो यार, अरे वो आत्मा है। देखो देखो देखो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर, क्या क्या दिया मुझे? ये सब क्या हो रहा मेरे बच्चे के साथ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब अचानक से ये सब। डॉक्टर साहब, क्या हो गया उसे? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ट्रीटमेंट का अभी पहला सिटिंग है, लगता है किसी चीज का गहरा सदमा इनके दिमाग में पहुंचा है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? आप देख रही है मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माँ चिंता मत कीजिए, आकाश ठीक हो जाएगा। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आकाश का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं हूँ ना इनके पास। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। अभी तो ये शुरुआत है आकाश, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी, मौत भी खड़े होकर भीख मांगेगी तुम्हें ले जाने के लिए। याद रखना, हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।